हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरुण जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तराखंड शिखर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपको उत्तराखंड सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से हुआ है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करते हैं तो उत्तराखंड का इतिहास सिर्फ इतना पुराना ना होके कई वर्षों अधिक पुराना है। तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है आपका उत्तराखंड, ये आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि उत्तराखंड में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा, एनी एंट्रेंस एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन उत्तराखंड, इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम उत्तराखंड एज अ सब्जेक्ट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड पीसीएस की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये विषय आपका प्री और मेंस दोनों के लिए। और वर्तमान में जो ग्रुप सी के द्वारा पोस्ट निकाली गई हैं 854 पदों के लिए, उसके लिए तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। और अगर आपने इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होल्ड किया हुआ है तो देयर विल बी 100% चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करते हैं वीडियो को देखते हुए। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, किसी भी हिस्ट्री को समझने के लिए हमें टाइम समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए टाइम के आधार पर हमने हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और ये जो काल है, ये काल का जो टाइम फ्रेम है वो 3000 ईसा पूर्व से पहले का समय है। तो हमें क्या समझ में आया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसका टाइम फ्रेम 3000 ईसा पूर्व से पहले का समय है। एक चीज़ हमें और पता चलती है इस पीरियड के बारे में, वो ये है कि इस पीरियड को हम प्री लिटरेसी पीरियड भी कहते हैं। प्री लिटरेसी पीरियड का मतलब है प्राग साक्षर काल। प्री लिटरेसी से यहाँ पर संबंध ये है कि साक्षरता से पहले का समय, यानी कि जो पीरियड ऐसा रहा है कि जिसमें हमें साक्षरता यानी कि लिटरेसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पीरियड के लिए, वो ये है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें निकालनी है प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए, तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स यानी कि स्रोत की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे क्या स्रोत हैं जिनकी वजह से हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के संबंध में जानकारी प्राप्त होती हैं, उन स्रोतों को हम हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत और इंग्लिश में हम उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो देखिए, अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कह रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। तो बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल्स की, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं कॉइन्स, सिक्के जिन्हें हम कहते हैं, दूसरे सोर्सेज जिनको हम बात करते हैं हम बोलते हैं मेमोरियल्स, स्मारक हम इन्हें बोलते हैं, बिल्डिंग्स भवन वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, इसके अलावा अभिलेख हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो इस तरीके के जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उन सभी को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम समझ चुके हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद जो दूसरा पीरियड हमें समझना है, उस पीरियड को हम जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से। तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को हम हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का जो समय है वो है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को समझने के लिए जो हमें सोर्सेज प्राप्त हुए हैं, वो सोर्सेज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है।
पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वही सोर्सेज हैं जो अभी हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो इनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज को, जो कि हमें प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में कुछ जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज को अगर हम बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेज जो थे यहाँ पे कुछ इस तरीके के सोर्सेज हमें देखने को मिले हैं जिनके उसमें कुछ लिखावट हमें देखने को मिली है। लेकिन हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज को, तो लिटरेरी सोर्सेज को हम जो कि प्रोटो हिस्टोरिकल के अंदर हमें मिले हैं इस पीरियड के अंदर, उनको हम स्टडी नहीं कर पाए हैं, ठीक है, उनको हम स्टडी नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? उसके पीछे रीज़न ये है कि इन सोर्सेज में जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई है, स्क्रिप्ट मतलब जो लिपि यूज़ हुई है, वो लिपि कुछ इस तरीके की थी जिनको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो ऐसी ही एक लिपि का नाम है शंखलिपि। क्या नाम है? शंखलिपि, जिसे हम इंग्लिश में शेल स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिटरेरी सोर्सेज भी हमें प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में प्राप्त हुए हैं जिनको हम पढ़ पाए हैं, जिनको हम समझ पाए हैं, और जिनसे हम अपने इस पीरियड के बीच की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिराइव कर पाए हैं, ठीक है। तो ये जो सोर्सेज हैं उनको हम बोलते हैं माइथोलॉजिकल सोर्सेज। क्या बोलते हैं? माइथोलॉजिकल सोर्सेज। माइथोलॉजिकल सोर्सेज जिनको हम पौराणिक स्रोत भी बोलते हैं, और इनका एक नाम और है वैदिक सोर्सेज, ठीक है। तो वैदिक जो सोर्सेज हैं, वैदिक सोर्सेज हमें प्राप्त हुए हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, इसलिए प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या सोर्सेज आते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे रामायण है, आप सभी लोग परिचित हैं रामायण से, महाभारत है, ठीक है, वेद है, जैसे आप जानते हैं ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ठीक है, इसके अलावा उपनिषद हैं, ठीक है, उपनिषद है और ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये माइथोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड की, ठीक है। तो हिस्टोरिकल पीरियड को हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड का जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम लाइन है इसकी, वो है 600 ईसा पूर्व से आज तक का समय। तो हिस्टोरिकल पीरियड के संबंध में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसके लिए जो हमें सोर्सेज प्राप्त होते हैं, उन सोर्सेज के अंतर्गत आपके एक तो पुरातात्विक स्रोत, जिनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं, वो आते हैं, प्लस आपके दूसरे लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि लिटरेरी सोर्सेज मतलब लिखित जो स्रोत होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिटरेरी सोर्स हमें हिस्टोरिकल पीरियड में प्राप्त होते हैं, उनकी एक विशेषता ये रही है कि इन स्रोतों को हम ईजिली रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, यानी कि इनमें जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई है वो स्क्रिप्ट को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम डिटेल से जान लें उन सोर्सेज में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और ये जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज से हमें उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सोर्सेज जो कि हमें उत्तराखंड की जानकारी देते हैं, इन सोर्सेज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो होती है उनको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज, और लिटरेरी सोर्सेज को हिंदी में हम साहित्यिक स्रोतों के नाम से जानते हैं। और दूसरे तरीके के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिन्हें हम पुरातात्विक स्रोतों के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की, तो लिटरेरी सोर्सेज को हमने फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि रिलीजियस सोर्सेज, रिलीजियस सोर्सेज को हम हिंदी में धार्मिक स्रोतों के नाम से जानते हैं। दूसरी कैटेगरी की हम बात करते हैं, इनके अंदर आते हैं एथियस्टिक सोर्सेज। एथियस्टिक सोर्सेज का मतलब होता है अधार्मिक साहित्य। तीसरी अगर हम बात करते हैं लोक साहित्य, तीसरी कैटेगरी जो है लोक साहित्य है, जिसे हम सोशियो लिटरेरी सोर्सेज के नाम से जानते हैं। और चौथी कैटेगरी जो है अभारतीय साहित्य, जिसे हम नॉन इंडियन सोर्सेज के नाम से जानते हैं। तो वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिलीजियस सोर्सेज के अंदर सैक्रेड बुक्स आती हैं। सैक्रेड बुक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं, जैसे कि ऋग्वेद,
ऋग्वेद के बारे में आप जानते हैं, ये सबसे पुराना वेद है। दूसरा महाभारत, अथर्ववेद, स्कंद पुराण। देखिए स्कंद पुराण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्कंद पुराण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि केदारखंड और मानसखंड जो उत्तराखंड के आज पार्ट हैं, ये पहले ऋग्वेद से ही हमें ये नाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद और जो बुक्स आती हैं जैसे विष्णु पुराण है, ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर गुरु जो शब्द है, उत्तराखंड के लिए जो उत्तर गुरु शब्द का प्रयोग होता है वो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। और इसके अलावा और भी अगर हम किसी बुक की बात करना चाहते हैं तो वो है जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, जिसमें बद्रीनाथ का उल्लेख किया गया है। देखिए अब बात करते हैं एथियस्टिक सोर्सेज की। एथियस्टिक सोर्सेज का अर्थ होता है अधार्मिक साहित्य, ठीक है। अधार्मिक साहित्य देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको बड़े विशेष रूप से इस चीज़ को पढ़ना भी है, समझना भी है, और आप इसके नोट्स बनाते चलिए। देखिए क्योंकि इससे काफ़ी बार, मतलब आप अलग अलग एग्जाम देखें, ग्रुप सी देखें, आप पीसेस देखें, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अधार्मिक जो साहित्य है इसके अंदर क्या चीज़ आती है, जैसे रघुवंशम। रघुवंशम एक टेक्स्ट है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रघुवंशम के लेखक कौन है। दूसरा हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, ये पूछा जाता है किसने लिखा है, कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ये भी एक आपका एथियस्टिक सोर्स है। तीसरा मेघदूतम, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। लाइकवाइज अगर हम आगे बात करते हैं राज तरंगिनी जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई है, और इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे जहांगीरनामा जो कि जहांगीर के द्वारा लिखी गई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एथियस्टिक सोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। और इनके अध्ययन के पश्चात हमें उत्तराखंड के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो अगर हम देखते हैं सोशियो लिटरेरी सोर्सेज को, ये क्या होते हैं, इन्हें समझते हैं, इन्हें हिंदी में हम लोक साहित्य के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है सोशियो लिटरेरी सोर्सेज के बारे में कि ये लिखित रूप से हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। लिखित रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं कहने मतलब दीज आर नॉट इन अ रिटन फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए आप लोग उत्तराखंड अगर आप अध्ययन करेंगे, उत्तराखंड आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड में जागर एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें पुराने काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो जागर क्या है, एक सोशियो लिटरेरी सोर्सेज है। इसके अलावा कुछ और जो फेमस सोशियो लिटरेरी सोर्सेज है वो है राजूला मालूशाही की अमर प्रेम कथा, ठीक है। इसे कभी आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे, सब समझेंगे तो आप मतलब इट विल डेवलप अ इंटरेस्ट विद इन यू। देखिए इसके अलावा फॉरेन ट्रेवलर्स यानी कि विदेशी यात्री भी जो उत्तराखंड के भ्रमण पर आए थे उन्होंने अपने अपने यात्रा वृतांत लिखे हुए हैं जिन्हें हम नॉन इंडियन सोर्सेज के अंतर्गत पढ़ते हैं। इनमें कुछ प्रमुख जैसे एक चाइनीज ट्रेवलर थे जिनका नाम था ह्वेन सांग, ठीक है, और इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है उसको हम बोलते हैं सी यू की के नाम से। देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है कि सी यू की नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया है, मुलुफात ए तिमूरी क्या है, ये एक तिमूर की ऑटोबायोग्राफी है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जाना लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, और अब हम कुछ बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को अगर हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो बेसिकली हमें मिलते हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंदर आते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस को हम हिंदी में अभिलेख के नाम से जानते हैं। इंस्क्रिप्शंस अलग अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के इंस्क्रिप्शंस होते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख जो कि बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर लिख दिए जाते हैं उन्हें स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस कॉपर यानी कि ताम्र की जो प्लेटें होती हैं उनके ऊपर लिखे जाते हैं उनको हम कॉपर इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि गुफाएं यानी कि केव्स के ऊपर लिखे जाते हैं उन्हें हम केव इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कॉइन्स यानी कि मुद्राएं भी एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल स्रोत है। इसके अलावा स्मारक मेमोरियल्स हम बोलते हैं, मूर्तियाँ स्टैचूज, पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला, समाधियाँ टॉम टेम्पल्स मंदिर वगैरह ये सब चीज़ें, और स्टोन टूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हैंड एक्स वगैरह यूज़ करते थे अर्ली टाइम में जो लोग थे उनको, हथकुठार या बोरर्स वगैरह यानी कि छिद्रक वगैरह हम बोलते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अगर हम बात करें हमें कहाँ कहाँ से डिस्कवर हुए हैं, मतलब उत्तराखंड के वो कौन कौन से स्थान हैं, कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज डिराइव हुए हैं, जो मेन सोर्सेज हैं उनको हम थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कालसी नामक स्थान जो कि यमुना नदी घाटी यानी कि यमुना वैली के किनारे स्थित है देहरादून में, यहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा श्रीनगर में अलकनंदा नदी घाटी, अगर हम बात करते हैं अलकनंदा वैली के इसके एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से
से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नैनीताल में खुटानी नाला करके एक विशेष जगह है, यहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्राप्त होते हैं। और बहादराबाद नामक स्थान जो कि हरिद्वार में स्थित है, यहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्राप्त होते हैं और जिनसे हमें उत्तराखंड के संदर्भ में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमने पढ़ा उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए समझते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं ईयर 1856। 1856 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, हेनवुड। देखिए, हेनवुड कौन है हमें ये समझना पड़ेगा। हेनवुड वो पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवरी करी है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की उत्तराखंड में, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की डिस्कवरी करने वाले पहले व्यक्ति जो है हेनवुड है। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया है ये हमें ध्यान रखना है। इन्होंने डिस्कवर किए हैं रॉक बेसिन्स, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? रॉक बेसिन्स डिस्कवर किए हैं। और कहाँ डिस्कवर किया है ये हमें ध्यान रखना है, देवीधुरा नामक स्थान पर। कहाँ डिस्कवर किए हैं? देवीधुरा नामक स्थान पर, जो कि चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिए, एक पॉइंट तो हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, जिसको हम बोलते हैं रॉक शेल्टर, तो एग्जाम में पूछा जाता है रॉक शेल्टर जो है, इसे लोकल यानी कि स्थानीय भाषा में उडियार के नाम से जाना जाता है। तो उडियार क्या है? उडियार मतलब एक ऐसा स्थान है जो कि एक उडियार मतलब, देखिए लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं इसको, उडियार मतलब होता है कोना, एक कोना तरीके का, ठीक है। तो ये क्या है? एक आपका आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी आपने देखा लोक साहित्य की हमने बात करी थी, ठीक है, लोक साहित्य, ठीक है। लोक साहित्य की अगर हमने बात करी तो लोक साहित्य में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी जागर, ठीक है। तो उत्तराखंड में जागर से संबंधित जो महिला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट महिला है, जिन्हें जागर कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उनका नाम क्या है? बसंती बिष्ट। क्या नाम है उनका? बसंती बिष्ट। तो बसंती बिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम फोक सिंगर की बात करते हैं उत्तराखंड में, जो प्रमुख यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो फोक सिंगर है, उनका नाम क्या है? कबूतरी देवी, ठीक है। और कबूतरी देवी को उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं इसके अलावा, देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ विदेशी ट्रैवलर्स जो थे, जो कि उत्तराखंड की यात्रा में आए थे, यानी कि नॉन इंडियन सोर्सेज जहाँ हमने पढ़े थे, तो नॉन इंडियन सोर्सेज के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं किसी एक यूरोपियन ट्रैवलर की, ठीक है, ये किसकी बात करते हैं? यूरोपियन ट्रैवलर यानी कि यूरोप से उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे, उनका नाम क्या है? बर्नियर, ठीक है, बर्नियर। तो बर्नियर हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि बर्नियर ने हरिद्वार को क्या कहा है? द कैपिटल ऑफ शिवा कहा है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे, द कैपिटल ऑफ शिवा इज अ नेम गिवन टू हरिद्वार बाय हुम, किसके द्वारा ये नाम दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं किसी फॉरेन ट्रेवलर, जैसे बौद्ध लोग होते हैं, बुद्धाज जो लोग होते हैं, तो उन लोगों ने उत्तराखंड के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया है? हिमवंत। क्या नाम प्रयुक्त किया है? हिमवंत, ठीक है। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको ध्यान रखिए। इसी तरीके से आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और अब हम जानते हैं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था हमारा, ठीक है, प्री हिस्टोरिक जो पीरियड था, उस प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिले हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, दीज सोर्सेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और इनमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि लाखू गुफा, जैसे कि एक आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स है लाखू गुफा, ठीक है, लाखू गुफा या लाखू केव आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमें कौन से जिले से प्राप्त हुई है लाखू गुफा? तो जैसे कि अल्मोड़ा है। इसके अलावा अल्मोड़ा से हमें और भी बहुत सारी गुफाएं मिलती हैं, जैसे कि फड़कनौली हम बोलते हैं, पेटशाल, फलसीमा, लुएथाप, वेस्टर्न रामगंगा वैली, और हम बात करते हैं कसार देवी और कालामाटी विलेज, कालामाटी गांव जिसको हम कहते हैं, हटवाल घोड़ा, ये सभी चीज़ें जो हैं हमें अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं, और ये सब प्री हिस्टोरिक के आर्कियोलॉजिकल स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा जिला चमोली से जो हमें आर्कियोलॉजिकल स्रोत प्राप्त हुए हैं वो हैं जैसे ग्वारखा उडियार यानी कि ग्वारखा रॉक शेल्टर कहते हैं, मलारी केव यानी कि मलारी गुफा हम कहते हैं, किमनी गांव यानी कि किमनी गांव से हमें बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं जो कि जिला चमोली के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जिला उत्तरकाशी की, जिसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि हुडली रॉक शेल्टर यानी कि हुडली उडियार है आपको प्राप्त हुआ है,
थड़ुंग रॉक शेल्टर हमें प्राप्त हुआ है और पुरोला रॉक शेल्टर हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं इन जो इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, इनमें से क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है कि लाखुवा ये अल्मोड़ा जिले में मिलती है और दलबेंड बाड़ीछीना नामक स्थान से हमें लाखुवा प्राप्त हुई है। इसे लाखु गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता अनुसार यहाँ पर लगभग 100,000 गुफाएं उपस्थित हैं। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा सकती है वो यह है इसकी डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी इसकी किसने करी, यानी कि लाखु गुफा को किसके द्वारा खोजा गया है, तो उसको हम बात करते हैं एमपी जोशी, जिसे हम महेश्वर प्रसाद जोशी यानी कि महेश प्रसाद जोशी के नाम से भी जानते हैं। इसके संबंध में थोड़ा सा विरोधाभास है, थोड़ा सा डाउट ये है, कहीं कहीं बुक्स में इसे 1963 इसकी डिस्कवरी दिखाया गया है और कहीं कहीं इसे 1968, तो आप ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में रखते हुए चले। फिर हम बात करते हैं लाखु गुफा के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये पहला रॉक शेल्टर है। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट रॉक शेल्टर विच इज डिस्कवर्ड इन उत्तराखंड फॉर प्री हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकता है वो लाखु गुफा का शेप क्या है, मतलब किस तरीके की लाखु गुफा दिखती है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें, हम बोलते हैं हॉथोन, यानी कि हिंदी में जिसे हम नागफनी कहते हैं। लाखु गुफा से हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, ऐसा क्या विशेषता है लाखु गुफा की, हमें दो पिक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं और कुछ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, थीके? दो पिक्चर्स में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें कुछ ऐसी महिलाएं दिखती हैं जो कि ग्रुप बना के आपस में डांस कर रही हैं और उन्होंने जैसे आजकल हम गाउन पहनते हैं उसी तरीके का कुछ उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है जिसे लबादा के नाम से जाना जाता है। तो लबादा आपने थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है कि लबादा क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ गाउन। ठीक है, जो कि जो विमेंस जो हैं, जो औरतें हैं जो समूह में खड़े होकर एक साथ डांस कर रही हैं, उन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई है। इसके अलावा पिक्चर्स में कुछ ऐसे एनिमल्स दिखाए हुए हैं जिनका पीछा कुछ लोगों द्वारा किया गया है, यानी कि जानवरों का पीछा करते हुए कुछ लोग दिखाए गए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में एक बार पूछा भी गया था, देखिए कि जो आपका लाखु गुफा है इसका मुख्य विषय क्या था, इसका मुख्य विषय है ग्रुप डांस यानी कि सामूहिक नृत्य। तो देखिए, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि लाखु गुफा से संबंधित है और एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि चित्रों का संग्रहालय किसे कहा जाता है। चित्रों का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑफ इलस्ट्रेशंस लाखु गुफा को ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हम बात करते हैं दूसरा एक प्रमुख आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है आपका, जिसे हम फड़का नौली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फड़का नौली को 1985 में यशोधर मठपाल जी द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो फ्रेम आउट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इसका शेप क्या है, इसका शेप अगर हम बात करते हैं, इट्स मतलब रिजेंबल्स लाइक हुड ऑफ स्नेक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नागराज के फन। ठीक है, के आकार का फड़का नौली का शेप है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्स की, जो कि पेटशाल के नाम से जाना जाता है और इसे 1989 में यशोधर मठपाल जी द्वारा डिस्कवर किया गया है। देखिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में जानने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, हम उन्हीं पॉइंट्स को अभी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स और है जिसे हम लोहिथाप के नाम से जानते हैं, यहाँ से हमें पेंटिंग्स डिस्कवर हुई हैं, जिन पेंटिंग्स के एग्जाम में कलर पूछा जाता है, इन पेंटिंग्स का कलर क्या था, यानी कि दीज पेंटिंग्स आर रेड इन कलर, यानी कि लाल रंग की हमें पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई है, एग्जाम में पूछा गया था लोहिथाप नामक स्थान से। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्वारखा रॉक शेल्टर यानी कि ग्वारखा उडियार की हम बात करते हैं। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि रॉक शेल्टर को उडियार के नाम से जाना जाता है, तो ग्वारखा रॉक शेल्टर हमें जिला चमोली के डुंगरी नामक गांव से प्राप्त हुआ है और ये डुंगरी नामक गांव जो है ये अलकनंदा नदी घाटी के किनारे बसा हुआ गांव है। तो देखिए, ग्वारखा उडियार के बारे में क्या अदर इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया था एक बार, इसकी डिस्कवरी यानी कि इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई है, राकेश भटजी द्वारा इसे डिस्कवर किया गया है। लेकिन एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया था कि राकेश भटजी ने तो इसकी डिस्कवरी की है लेकिन इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, यानी कि यशोधर मठपाल जी द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। क्या हमें मिलता है ग्वारखा उडियार से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यहाँ से 41 पेंटिंग्स मिलती है। ठीक है, तो 41 पेंटिंग आपने याद रखना है और पेंटिंग का कलर भी एग्जाम में पूछा जाता है, रेड और पिंक कलर की पेंटिंग हमें मिलती है। इन पेंटिंग्स में हंटिंग एनिमल यानी कि जानवरों का शिकार करते हुए लोगों को दिखाया गया है। देखिए, इसके अलावा एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री हिस्टोरिक पीरियड का, वो है मलारी विलेज। ठीक है, 1956 में इसे डिस्कवर किया गया था शिव प्रसाद डबराल द्वारा।
देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि चारण किसे कहते हैं, चारण यानी कि शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से भी जाना जाता है। चारण इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये घुमक्कड़ पर्वती के थे, ये घूमते रहते थे यानी कि घूमने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। और मलारी विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 2002 में यानी कि 2002 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के जो स्कॉलर्स थे, रिसर्चर्स जो थे, उनके द्वारा इसे दोबारा खोजा गया और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि मानव के कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं, एक 5.2 केजी का यानी कि 5.2 किलो का एक हमें क्राउन प्राप्त हुआ है जो कि सोने का बना हुआ है, और मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं किमनी गांव की, ठीक है। किमनी गांव भी जिला चमोली के अंतर्गत आने वाला एक गांव है और यहां से भी हमें पेंटिंग डिस्कवर हुई है। कलर पूछा गया था एग्जाम में एक बार, आप ध्यान रखिएगा इसका, वाइट कलर की पेंटिंग हमें डिस्कवर की गई है किमनी गांव से। इसके अलावा हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो कि हमें उत्तर काशी से हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले हैं जैसे हुडली रॉक शेल्टर, हुडली से हमें जो उडियार प्राप्त हुआ है, इनमें ब्लू कलर की पेंटिंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा थड़ुंग नामक स्थान है, थड़ुंग से हमें एक रॉक शेल्टर प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें कोई पिक्चर्स हमें नहीं दिखी है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या होगा कि यहाँ पे जो पिक्चर्स रही हैं वो पॉल्यूशन के कारण, धूल मिट्टी के कारण यहाँ पे पिक्चर्स का कलर जो था बिल्कुल फेंट हो गया और पिक्चर्स जो थी यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ ब्लैक पेंट कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी से हमें पुरोला रॉक शेल्टर भी मिलता है, यहाँ से हमें पेंटेड पोट्री मिलती है। पेंटेड पोट्री से मतलब है कुछ मिट्टी के ऐसे बर्तन जिनमें कि कुछ बाहर से कलाकारी करी गई है। इसमें एक वर्ड मैं आपको बोलता हूँ, PGW, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके की विशेष तरीके की चित्रकला है जो कि हमें मिट्टी के बर्तनों में देखने को मिलती है, और PGW जो है एक ऐसा कल्चर है जो कि उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कल्चर होते हैं जैसे OCW, ठीक है, BRW, ठीक है, बहुत सारे कल्चर होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो मड पोटरी का जो हमें कल्चर देखने को मिलता है वो होता है पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि PGW कल्चर। इसके अलावा पुरोला से हमें कुछ कॉपर के कॉइन्स भी हमें प्राप्त हुए हैं जो कि कुडिंद राजाओं के माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था, प्री हिस्टोरिक पीरियड के सोर्सेज को हमने जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की जो कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं सोर्सेस कौन से पीरियड की हम बात कर रहे हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के, पीरियड के, ठीक है। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के जो सोर्सेज हैं, आप जैसे हम जान चुके हैं पहले, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत हम दो तरीके के सोर्सेज की हम बात करते हैं। पहले आते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिनको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास आते हैं लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो कि हमें उत्तराखंड की जानकारी देते हैं वो क्या क्या है, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है आपके कप मार्क्स, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं रेमनेंट्स ऑफ कॉपर कल्चर यानी कि ताम्र संस्कृति के अवशेष। तीसरी हम बात करते हैं मेगालिथ बरियल्स यानी कि शवाधान जिनको हम कहते हैं, और चौथी हम बात करते हैं पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकला या चित्रकारी करी गई है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के सोर्सेज जो हमें उत्तराखंड की जानकारी देते हैं वो सोर्सेज कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कि साहित्यिक स्रोत हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए हमने पहले डिस्कस किया था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का टाइम हमारा क्या था, आपने ध्यान दिया होगा 3000 BC से 600 BC के बीच का समय, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की, तो बेसिकली जो लिटरेरी सोर्सेज हमें मिलते हैं वो 1500 BC से 600 BC के बीच में हमें लिटरेरी सोर्सेज प्राप्त होते हैं, ठीक है। 1500 BC से 600 BC के बीच में हमें लिटरेरी सोर्सेज प्राप्त होते हैं। अब ये जो टाइम है हमारा, इस टाइम को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। एक टाइम जो है हमारा वो 1500 BC से 1000 BC के बीच का टाइम है, ठीक है, जिस पीरियड को हम वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और इस पीरियड को हम वैदिक पीरियड के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस पीरियड में हमें केवल ऋग्वेद की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? ऋग्वेद। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद
कौन से पीरियड में डिस्कवर हुआ है, तो वैदिक पीरियड में, और वैदिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो आपने ध्यान रखना है 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। इसके बाद जो टाइम फ्रेम है आपका 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का, इसे हम लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल इसे हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल हम कहते हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कवर हुई है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, उपनिषद और भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कवर हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला वेद हमें जो डिस्कवर हुआ था वो था आपका ऋग्वेद, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डिस्कवर हुई है यहाँ पे, पुराण। जैसे पुराण आपने जाना होगा, पुराण में जैसे स्कंद पुराण होता है, विष्णु पुराण होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। देखिए अथर्ववेद आप जान चुके हैं, ठीक है, यजुर्वेद आप जान चुके हैं, एक वेद और डिस्कवर हुआ था सामवेद, तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में, और हमने एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और अब हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे इन कप मार्क्स के बारे में, और जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं इनका क्या बेनिफिट है, क्या क्वेश्चंस इनसे फ्रेम होते हैं, क्या क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, इन सभी को। तो आने वाला इंटरेस्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।